तो IVF कब कराना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गुंजन भटनागर है और मैं जीवनदीप चिकित्सालय गोंडा में IVF एवं इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ। तो वैसे तो कोई भी कपल जो 3 साल से ऊपर से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही हो, वो लोग IVF के लिए जा सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हमें बिल्कुल भी वेट ना करके जल्दी से जल्दी IVF का डिसीजन ले लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको पता है कि दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं। सेकंड, आपको सीवियर या ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है। थर्ड, आपकी एज ऑलरेडी 35 से ऊपर है और आप अंडे बनने की दवाओं के कई साइकिल्स पहले ही ट्राई कर चुके हैं। फोर्थ, सीवियर मेल इनफर्टिलिटी जिसमें कि स्पर्म काउंट 5 मिलियन से भी कम है। और फिर एजोस्पर्मिया जिसमें कि स्पर्म काउंट निल है। इन सब कंडीशंस में आप किसी अन्य इलाज पे पैसे और अपना कीमती समय ना वेस्ट करके सीधे IVF का मदद लें।